असलम स्टूडेंट्स होप यू ऑल आर डूंगे स्टार्ट आर टू डेसन टू डे द टॉपिक ऑफ आर डिस्कशन इज एनिमल टिश्यूज आज के टॉपिक में हम एनिमल टिश्य को डिस्कस करेंगे यानी वो टिश्यूज जो एनिमल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्लान टिश्यूज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान टिश्यूज़ हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लान टिश्यूज और उसके डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हम एनिमल टिश्यूज और उनके टाइप्स को डिस्कस करेंगे एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस डेट वेन सेम टाइप ऑफ सेल्स combine टूगेदर एंड परफॉर्म स्पेसिफिक functions, दैन दे आर नॉन एज टिश्यूज हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जब एक तरह के सेल्स आपस में मिलते हैं एक ग्रुप बना लेते हैं और एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उन सेल्स को हम कहते हैं टिश्यूज हेयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज मसल टिश्यूज बॉन्ड टिश्यूज and blood tissues. Let us discuss these tissues one by one. Firstly, we will talk about muscle tissues. sabse pehle hum muscle tissues ko discuss karte hain The word muscle basically means movement. hamare body parts जो movement show करते हैं, उन movements को हम कहते हैं muscular movement. Because the word muscles means movement. जो word muscle है, उसका मतलब है movement करना, हरकत करना. तो जो हमारे body parts हरकत करते हैं, for example जो हमारी लिम्स हमारे आर्म्स हमारी लेग्स और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं स्टमक हार्ट ये जो हमारे ऑर्गन्स चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल वो जो मूवमेंट शो करते हैं उन मूवमेंट को कहते हैं मस्कुलर मूवमेंट्स एज यू कैन सी डैट दीज आर मसल टिश्यूज सो दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड येस दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ मसल सेल्स जब मसल सेल्स कंबाइन होंगे तो वो क्या बनाएंगे मसल टिश्यूज और उनका फंक्शन क्या होगा मूवमेंट करना जो डायग्राम में आपको धागे की तरह की साखतें नजर आ रही हैं इन साख्तों को हम क्या कहेंगे मसल टिश्यूज जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और ये हमारी बॉडी पार्ट्स को मूव करने में हेल्प करते हैं जैसे आप देखते हैं कि जो हमारी आर्म्स और हमारी लेग्स के अंदर मसल्स प्रेजेंट हैं उनके साथ बोन्स अटैच हैं और हम अपनी आर्म्स और अपने लेग्स को बहुत इजीली मूव कर सकते हैं नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट बोन टिश्यूज जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है टिश्यूज की वो है बोन्स टिश्यूज बोन टिश्यूज आर बेसिकली फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बोन सेल्स जब बोन सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनते हैं बोन टिश्यूज एज वी नो डैट देर आर अबाउट टू जीरो बोन्स प्रेजेंट इन आर बॉडी हम जानते हैं कि हमारे जिसमें टू जीरो सिक्स यानी दो सौ छः हड्डियाँ मौजूद होती हैं इन हड्डियों का इन बोन्स का हमारी बॉडी में फंक्शन क्या होता है यह हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप और स्पोर्ट देती हैं एज यू कैन सी इन डाइग्राम देर इज अ बोनी स्केल्टन इज प्रजेंट डायग्राम में आप लोग जो हड्डियों का एक ढांचा हड्डियों का एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं उस हड्डियों के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्केल्टन ये स्केल्टन जो है ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है और हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप और सपोर्ट देता है हम देखते हैं कि जो हमारा जिसम है हमारी बॉडी है उसका एक खास शेप है उसका एक खास स्ट्रक्चर है ये जो तो उसकी खास शेप है ये इन हड्डियों के स्केल्टन की वजह से यानी ये जो हड्डियों का एक फ्रेम बना हुआ है इसकी वजह से हमारी बॉडी की एक शेप भी है और ये हमारी बॉडी को सपोर्ट भी देती है और मसल्स के साथ अटैच होकर बोन्स हमारी बॉडी पार्ट्स को मूव करने में भी हेल्प करती हैं। द नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यूज डेट वी हैव टू डिस्कस आर ब्लड टिश्यूज एंड नाउ वी नो डैट ब्लड टिश्यूज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड येस ब्लड टिश्यूज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लड सेल्स ब्लड टिश्यूज जो हैं वो ब्लड सेल्स का कॉम्बिनेशन है यानी ब्लड टिश्यूज ब्लड सेल्स के बने हुए हैं जब सेल्स कंबाइन होंगे ब्लड सेल्स कंबाइन हुए और क्या बनाया उन्होंने ब्लड टिश्यूज ब्लड टिश्यूज़ का बेसिकली फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में हमारी बॉडी में कौन कौन से ब्लड सेल्स प्रेजेंट है रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स द फंक्शन ऑफ दि सेल्स इज बेसिकली टू ट्रांसपोर्ट मटीरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू एन अदर पार्ट इन सेल्स का फंक्शन यह है कि जो हमारी बॉडी के अंदर मटेरियल्स यानी मादे होते हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह तक मुंतकल करते हैं जो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स हैं उनका क्या फंक्शन है दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी वो हमारी बॉडी के पार्ट्स को प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं इस तरह से जो ब्लड सेल्स हैं उनका फंक्शन क्या होता है कि दे कैरीज मटीरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू एन अदर पार्ट ओके स्टूडेंट आज के लेसन में हमने देखा जानवरों के चंद टिश्यूज यानी उन टिश्यूज़ को डिस्कस किया जो जानवरों के जिसमें प्रेजेंट होते हैं इनमें थे मसल टिश्यूज़ बोन टिश्यूज और ब्लड टिश्यूज मसल टिश्यूज के बारे में हमने पढ़ा कि जो मसल टिश्यूज हैं वो ऐसे टिश्यूज हैं जो जानवरों के जिसम को हरकत देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और ये टिश्यूज हमारे स्टमक हार्ट और हमारे बाजुओं और हमारी टांगों में प्रेजेंट होते हैं और इस तरह से इन्होंने एक तरह से हमारी पूरी बॉडी को कवर किया होता है नेक्स्ट जो हमारे पास टिश्यूज़ के टाइप है वो है बोन टिश्यूज़ बोन टिश्यूज़ में हमने देखा कि बोन टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ हैं जो बोन सेल्स यानी हड्डियों के सेल से मिलकर बनते हैं ये ये जिसम को एक शक्ल और सहारा फ्राहम करते हैं इसके बाद जो हमने अगले टाइप की वो थे ब्लड टिश्यूज़ ब्लड टिश्यूज़ जो है वो ब्लड सेल से मिलकर बनते हैं और ब्लड सेल्स में हमने एग्जाम्पल की रेड ब्लड सेल्स की जो हमारे जिस्म के अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं उनका क्या फंक्शन है वो हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन को मुंतकिल करते हैं हमारे जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ तो इस तरह जो ब्लड सेल्स हैं या ब्लड टिश्यूज़ हैं वो क्या करते हैं मादा जात को जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मुंतकिल करते हैं ओके स्टूडेंट आज का आप लोग का लेसन यहाँ तक है इसमें आप लोगों ने जानवरों के टिश्यूज़ की इकसाम और हर किस्म का जो फंक्शन है यानी जो उसका फ़ेल है वो आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है ओके थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़